माशाल्लाह। तो आइए आज आपको पहले दरगाह शरीफ के बाहर का माहौल दिखाते हैं। बाहर का माहौल दिखाते हुए दरगाह शरीफ का मेन गेट से आपको अंदर दाखिल करवाएंगे और मेन गेट के कैसे मंजर है वो भी आपको दिखाएंगे और वजू खाना के मंजरों भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज जहाज वजू खाना के सामने क्या क्या मंजर है और आज भी पहले आपको ज़ियारत करवाएंगे आताई नूर से, यानी आस्तर शरीफ की बड़ी गेट आताई नूर से ज़ियारत करवाएंगे। आताई नूर का मंजर कैसे है दिखाएंगे और सीधे ले चलेंगे आपको पाइथी में आस्तर शरीफ के 2 नंबर गेट पर, जहाँ पर कदम उसी होता है, वहाँ से भी ज़ियारत करवाएंगे। वहाँ से ज़ियारत करवाते हुए सीधे ले चलेंगे आस्तर शरीफ के 4 नंबर गेट पर, जिस गेट से आप आस्तर शरीफ ज़ियारत करके बाहर आते हैं। आस्तर शरीफ को 4 नंबर गेट के बाद सीधे ले चलेंगे बाबा फरीद साहब के चिल्ला शरीफ और मदन के दरबार शरीफ। तो बना रहिए, आप शुरू करते हैं हमारी वीडियो। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। जी बना रहिए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आइए आज अजमेर शरीफ का माहौल कैसा है देख लीजिए। ये देखिए दरगाह बाज़ार की मंजर। देखिए आज मंगलवार है यानी ट्यूजडे है, तो ट्यूजडे अभी सुबह 10 बज रहा है, तो 10 बजे आज दरगाह बाज़ार का मंजर कैसा है देख लीजिए। सुभान अल्लाह। ये दरगाह बाज़ार से दरगाह शरीफ का मेन गेट ज़ियारत कीजिए। माशाल्लाह देखिए आज मेन गेट के सामने का मंजर कैसा है। और जो भी ज़ायरीन आते हैं मेन गेट के सामने खड़ा होकर मोबाइल से सेल्फी ज़रूर लेते हैं। देख सकते हो आप जो आज दरगाह शरीफ के बाहर का मंजर कैसा है, यानी दरगाह शरीफ का जो मेन गेट है, मेन गेट के सामने दरगाह बाज़ार है, ये दरगाह बाज़ार का क्या मंजर है देख लीजिए। माशाल्लाह यहाँ से सेल्फी लेने का बहुत बढ़िया जगह है, लोग सेल्फी लेते हैं और यहाँ पर कैमरा वाला ऑलरेडी खड़ा रहते हैं, कैमरा से फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं लोग। माशाल्लाह देखिए, तो ये है मेन गेट, किस तरह ज़ायरीन अंदर दाखिल हो रहा है देख लीजिए। और आपको भी इसी गेट से अंदर ले चल रहा हूँ, देखिए कैसे मंजर है आज। आज ट्यूजडे है यानी मंगलवार है, तो माशाल्लाह ये मेन गेट, देखिए मेन गेट से मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ, देखिए क्या मंजर है। मेन गेट से अंदर लेके आया हूँ और अंदर के भी मंजर देखिए और दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए। माशाल्लाह देखिए अंदर का क्या मंजर है। सुभान अल्लाह। तो ये देखिए बुलंद दरवाज़ा, ज़ियारत कीजिए। माशाल्लाह देखिए, और ये बुलंद दरवाज़ा की आसपास का मंजर भी देखिए, और बुलंद दरवाजे के साथ साथ अकबरी मस्जिद भी है, ये भी आप देख लीजिए अकबरी मस्जिद। जी ये है अकबरी मस्जिद देखिए। और इधर देखिए बाहर से आने जाने का 2 नंबर गेट, ये है 2 नंबर गेट बाहर से आने जाने का, देखिए इस गेट का मंजर भी कैसे है देख लीजिए। और ये है बुलंद दरवाज़ा का नीचे का चहल पहल, देखिए माशाल्लाह कैसे चहल पहल है बुलंद दरवाज़ा के नीचे। आज कितना ज़ायरीन है देखिए आप। सुभान अल्लाह। तो ये देखिए छोटी डेग, ज़ियारत कीजिए। और देखिए छोटी डेग के ऊपर आज मंजर कैसा है, कितना ज़ायरीन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गरीब नमाज की गुंबद शरीफ अभी आप बुलंद दरवाज़ा से देख रहे हो, देखिए और ज़ियारत कीजिए हुजूर गरीब नमाज की दरबार शरीफ। सुभान अल्लाह। ये है आपकी बड़ी डेग, बड़ी डेग को भी ज़ियारत कीजिए और बड़ी डेग के ऊपर यहाँ का मंजर है देख लीजिए। और ये देखिए दोनों डेग का क्या मंजर है। और धीरे धीरे अजमेर शरीफ में ठंड बढ़ते जा रहा है, तो आप लोग जब भी अजमेर शरीफ में आना चाहते हैं आइए, तो गर्म कपड़ा का इंतज़ाम करके ज़रूर आना आप। माशाल्लाह ये देखिए बाहर से आने जाने का 3 नंबर गेट, लंगरखाना गेट। जी देखिए, तो लंगरखाना गेट से अंदर आते ही जो वजू खाना आ जाता है, ये वजू खाना का मंजर भी आप देखिए, जो आज वजू खाना के सामने कितना ज़रीने कैसे वजू बना रहा है लोग। तो ये है वजू खाना की मंजर जो अभी आप देख रहे हो, माशाल्लाह देखिए। और दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए, आज मंगलवार है, ट्यूजडे है और नवंबर की आखिरी 22 तारीख है।
इस संदली मस्जिद के सामने लेके आया हूँ और ये है अम्मा जान की दरबार शरीफ, जियारत कीजिए। और ये देखिए संदली मस्जिद के अंदर की मंजर, यहाँ पर भी लोग कैसे इबादत कर रहा है देखिए। सुभान अल्लाह। तो ये है आपके आताई नूर, और आताई नूर से गुंबद शरीफ जियारत कीजिए। सुभान अल्लाह, हुजूर गरीब नमाज की गुंबद शरीफ जियारत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये देखिए आताई नूर का मंजर आज कैसा है देख लीजिए। आताई नूर में कहां पर कितना जायरीन है देखिए। आज ट्यूजडे है, मंगलवार है देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अभी आप आताई नूर से आस्ताना शरीफ जियारत कर रहे हो, जहाँ पर चादर पेश होता है, जियारत कीजिए। और देखिए आज आताई नूर का गेट पे क्या मंजर है, कितने जायरीन है देखिए। माशाल्लाह देखिए कितने जायरीन यहाँ पर है, किस तरह अंदर जा रहा है जियारत के लिए, और अंदर कैसे जायरीन जियारत कर रहा है आस्ताना शरीफ में देखिए। और आप भी जियारत कीजिए, दुआएँ मांगिए हुजूर गरीब नवाज की दरबार शरीफ से। ये पूरी आताई नूर का मंजर जो अभी आप देख रहे हो, माशाल्लाह देखिए। ये देखिए पायती का मंजर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पायती से गुंबद शरीफ, माशाल्लाह क्या नज़ारा है गुंबद की, माशाल्लाह देखिए। और जियारत कीजिए। देखिए पूरी पायती का क्या मंजर है, और पायती में कबल्ली भी हो रहा है देखिए। सुभान अल्लाह। तो यह पायती गेट यानी आस्ताना शरीफ के दो नंबर गेट, जहां पर कदम मुसी होता है देखिए। और जियारत कीजिए, देखिए आज पायती का क्या मंजर है देख लीजिए। सुभान अल्लाह, गुंबद शरीफ आस्ताना शरीफ के तीन नंबर गेट से मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए। और ये देखिए आस्ताना शरीफ के तीन नंबर गेट, सबली गेट, जियारत कीजिए। माशाल्लाह। तो ये देखिए जन्नती दरवाज़ा, जियारत कीजिए। जो भी जायरीन आते हैं ये जन्नती दरवाज़ा को चूम के लोग जियारत करते हैं देखिए। जन्नती दरवाज़ा को चूमते हैं लोग ज़रूर जी देखिए।
और ये है शाहजहानी मस्जिद। देखिए आज शाहजहानी मस्जिद के अंदर कितने जायरीन हैं, कैसा मंजर है यहाँ का आज। सुभान अल्लाह, हुजूर गरीब नवासी गुंबद शरीफ शाहजहानी मस्जिद से आप देख रहे हो, देखिए और जियारत कीजिए। और ये देखिए आस्ताना शरीफ के चार नंबर गेट, आखिरी गेट है जो इसी गेट से आप जियारत करके बाहर आते हैं, बाहर आने का गेट है, देखिए और जियारत कीजिए। और इस गेट का सामने का आसपास का क्या मंजर है वो भी आप देख लीजिए। सुभान अल्लाह, तो ये है बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ। जी बाबा फरीद साहब का चिल्ला शरीफ जियारत कीजिए। बाबा फरीद साहब के चिल्ला शरीफ के ऊपर भी लोग मन्नत की डोरा बांधते हैं, यहाँ से भी मन्नत पूरी होती है, देखिए। और फरीद साहब के चिल्ला शरीफ के साथ साथ ही अम्मा जान के दरगाह शरीफ यानी हुजूर गरीब नवाज की बीबी साहब के दरगाह देखिए और जियारत कीजिए। सुभान अल्लाह, उधर से भी जियारत करवाया हूँ अम्मा जान के दरबार शरीफ और इधर से भी करवा रहा हूँ। तो इसी वीडियो में हम यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।